अगेन टू पेरेंट के हॉस्पिटल. सो यू नो काफ़ी बार अगेन हाउ टू टैकल स्ट्रेस लोग पूछते हैं हमको, उस पर हम लोग बात कर ही रहे थे. तो एक बात आई कि डू वी नीड सपोर्ट टू टैकल स्ट्रेस, वाई नॉट. अगर चश्मा है तो चश्मा पहनते हैं, बीमार की दवाई करते हैं. तो वैसे दे आर लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर्स हु आर एक्सपर्ट्स इन टैकलिंग स्ट्रेस. अगर आप खुद अपना स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहे, अगर आपका फैमिली सपोर्ट सिस्टम आपको हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू टेक अनबायस्ड हेल्प फ्रॉम पीपल हु आर सीइंग सच केसेस डे इन एंड डे आउट बेसिस. जो रोज डिप्रेशन के केसेज रोज देख रहे हैं, जो एंग्जाइटी केसेज रोज देख रहे हैं, जो पैनिक के केसेज रोज देख रहे हैं, उनका सपोर्ट लेने में हर्जा क्या है. एक नॉर्मल बीमारी है, उसका इलाज हो सकता है. एंड जस्ट बिकॉज यू गो टू अ साइकेट्रिस्ट डज नॉट मीन कि आपको कोई मेंटल इलनेस है. यू आर, मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप एक फेज से पास हो रहे हो जो लाइफ में डिफिकल्ट हो सकता है. तो रेदर देन उस फेज में अपने ब्रेकडाउन होकर उस फेज में एगनी में रहे, पेन में रहे, आप सब तरह का सपोर्ट लेके उस फेज में हंसते हंसते पास हो जाइए. क्योंकि उसके बाद तो अच्छा फेज आना ही आना है, हर रात के बाद दिल तो होनी ही होनी है. एंड कई बार अपने फैमिली वाले अपने को चीज़ नहीं समझा पाते, अनबायस्ड इंसान जो फैमिली के बाहर के होते हैं वो ज़्यादा अच्छा समझा पाते हैं, उसके एक्सपर्ट होते हैं. तो डू नॉट फील अशेम टू टेक हेल्प, प्लीज़ फील फ्री टू टॉक अबाउट योर मेंटल हेल्थ. थैंक यू.